मंदिर बन रहा अच्छी बात है, लोगों की आस्था का सवाल है, लोग पूजा करें पाठ करें उसे किसी को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका ज़रूर विरोध होता है। और जहाँ मंदिर का सवाल है तो मंदिर का सवाल रोजी रोटी के सवाल से बड़ा सवाल नहीं है। धर्म जरूरी नहीं जनता के लिए, धर्म से ज़्यादा ज़रूरी है रोजी रोटी, जिंदा रहेगा तभी किसी धर्म को मानेगा। आज देश की बड़ी जनता के सामने ये समस्या है कि वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, दो वक्त की रोटी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मोदी को भगवान मान रहे हैं, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवान भी तभी माना जाएगा जब पेट में जो है अन्न होगा। ये तो आप कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे, ये ज़रूरत है देश की जो है कि लोगों को पहले रोजगार चाहिए, रोटी रोटी चाहिए, इसके बाद ही तो पूजा करेगा, वो जिंदा रहेगा तभी तो पूजा पाठ करने जाएगा। तो लोग जिंदा रहे उसके लिए पहले उनके रोजी रोटी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, और इस मुद्दे पर जो है विपक्षी गठबंधन जो है चुनाव मैदान में उतरेगा निश्चित तक जो है। मजबूत हुए हैं सर, हिंदू धर्म मजबूत हुआ ऐसा कहा जा रहा है, और चारों तरफ जो है वाह वाह लूट रही है मोदी सरकार। हिंदू धर्म के जो राजनीति चल रही है, हिंदू धर्म में बहुत सारे जो है फैक्टर काम करते हैं। आप किसी को हिंदू मानोगे किसी को नहीं मानोगे तो वो बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं, तो सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं है, सवाल ये है कि जो है जो जनता के असली मुद्दे हैं उस पर क्या काम हो रहा है। धर्म पे अपनी जगह है, मज़हब अपनी जगह है, हिंदू मुस्लिम अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मुद्दों पे क्या काम हो रहा है। आज देश में हिंदुत्व की अगर बात हो रही है तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित हिंदू ही हैं। रोजगार पर अगर हमला हो रहा है, सबसे ज़्यादा है रोजगार पर जो हमला है वो हिंदुओं के ऊपर है, उनके रोजगार छीने तो बड़ा हिंदुओं का तबका है जो प्रभावित हुआ है। तो सरकार की नीतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित तो जो है हिंदू ही हैं, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मार तो हिंदुओं के ऊपर ही पड़ रही है। तो सरकार सिर्फ हिंदुओं का नाम लेकर के हिंदुओं का ही गला घोट रही है। ये जो विपक्षी सांसदों की जो सस्पेंशन हो रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? ये सरकार तानाशाहीपूर्ण तरीके से चल रही है, विपक्ष की आवाज़ को जनता की आवाज़ को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। जो भी बोलेगा संसद में बोलेंगे तो उनकी जो सदस्यता जो है ख़त्म की जाएगी, निलंबन किया जाएगा, मुकदमे बनाए जाएंगे। पूरे देश के अंदर पिछले जो है काफ़ी लंबे समय से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है यही क्रम चल रहा है कि जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकार के गलत निर्णयों पर आवाज़ उठाता है बोलता है, चाहे संसद में बोले संसद के बाहर बोले, उसके ऊपर लगातार सरकार की एजेंसियों का सरकार का लगातार हमला है और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये पूरा एक जो है सिस्टम है जो पूरा जो है तानाशाही तरीके से पूरे देश को चलाना चाहते हैं, एक तरफा अपनी मर्जी के हिसाब से जो पूरे शासन को चला रहे हैं, जनता की सुनते नहीं है, मजदूरों की सुन नहीं रहे, किसानों की नहीं सुन रहे, विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत एक गंभीर चुनौती है और समस्या है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को सुनने का जो परंपरा रही है कि विपक्ष सरकार की नीतियों पर सरकार की गलत निर्णयों पर जो आवाज़ उठाता है सरकार उसको जो है संज्ञान लेती थी, उसको ठीक करती थी, लेकिन आज सरकार की नीतियों पर अगर बोला जा रहा है उसके गलत निर्णयों पर आवाज़ उठाई जा रही है तो सरकार उल्टे जो है उनके ऊपर एक्शन कर रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है और इस सवाल को लेकर के पूरे विपक्ष और जनता में आक्रोश है और ये मुद्दा जो आने वाले समय में एक बड़ा गंभीर मुद्दा बनेगा और इस मुद्दे पर जो है बड़े आंदोलन की तरफ जो है देश की जनता और विपक्षी जो है पार्टियाँ जो है जाएंगी। आरोप लग रहे हैं विपक्ष पे कि ये संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, हंगामा करते हैं संसद में ये जो विपक्ष के सांसद हैं। विपक्ष अपनी बात कहना चाहता, सरकार सुनना नहीं चाहती। विपक्ष तो चाहता है कि सरकार सुने, लेकिन जब सरकार नहीं सुनेगी तो ये तो संभव ही नहीं है कि जो है विपक्ष जो संसद को नहीं चलने देना चाहता। सरकार बहुमत में है, मनमानी कर रही है, लोगों की सुनना नहीं चाहती, सांसदों को सुनना नहीं चाहती, दूसरों का पक्ष सुनना नहीं चाहती। तो ये कहना तो जो सरासर गलत है कि जो है विपक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता। विपक्ष अपनी बात रख रहा है, जनता के मुद्दों को उठा रहा है और ये विपक्ष का जो है काम है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है,
कि सरकार की नीतियों के खिलाफ वो बोले, उसकी गलतियों का एहसास सरकार को कराए। और उस काम को विपक्ष कर रहा है तो सरकार जो है उसके ऊपर हमला कर रही है, ये अपने आप में उचित नहीं है। रिकॉर्ड कायम हो गया है, इतने सांसद कभी जो सस्पेंड नहीं किए गए हैं सदन से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है कि जिस तरह का जो हमला है कि लगातार पूरे विपक्ष को ख़त्म करने की जिस तरह साजिश रची जा रही है, सरकार की एजेंसियों के द्वारा लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, न्यायालय तक को जो प्रभाव में लेकर के जो है उनको सजा दिलाई जा रही है, तो ये पूरा एक सिस्टम है जो मोदी सरकार और आरएसएस द्वारा जो रचा गया चक्रव्यूह है कि पूरे विपक्ष को जो है गला दबा दिया जाए और तानाशाही तरीके से जो है पूंजीपतियों के हित में जो सरकार जो है एक तरफा काम करती रहे। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमला है, अगर सरकार के उद्योगपतियों के जो सरकार को जो है संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, अडानी के खिलाफ बोलोगे, अंबानी के खिलाफ बोलोगे तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये आखिर देश में हो क्या रहा है, और जनता भी इसको समझ रही है और देख रही है कि किस तरह जो सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग, CBI का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और जनता के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को नहीं सुना जा रहा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की बदहाली बढ़ रही है, किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं, इन मुद्दों पर सरकार कुछ काम नहीं करना चाहती। या तो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जाएगा और मुद्दों पर अगर बात होगी तो सरकार जो है उसको ध्यान हटाने के लिए जो है इधर उधर के मुद्दों को लेकर के आएंगे या जो विपक्ष के ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी, ये सब पूरे देश में आज चल रहा है। लेकिन गंगेश्वर जी, बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी ने कहा था कि हम देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं मोदी जी। मोदी जी लोकतंत्र की बात सिर्फ जो है छलावेपूर्ण तरीके से रखते हैं, लोकतंत्र को मानते नहीं, देश के संविधान को ये मानते नहीं। आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो लंबे समय तक इन्होंने देश के संविधान को नहीं माना, देश के झंडे को नहीं माना। आज सिर्फ जो राष्ट्रवाद का नाम लेकर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और पूरे देश में जो परंपरा रही है लोकतंत्र के लिए, आज उन परंपराओं का जो गला दबा दिया गया है, घोट दिया गया है और एक नया लोकतंत्र जो है कहने के लिए जो है कहा गढ़ा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को मत सुनो, जनता की आवाज़ को मत सुनो, किसानों की आवाज़ को सुनो, मजदूर की आवाज़ को मत सुनो, इसके बाद भी लोकतंत्र है, बोलोगे तो आपके ऊपर हमला होगा, तो ये कौन सा लोकतंत्र है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राहुल गांधी की चाहे सदस्यता समाप्त हुई हो, चाहे इनकी सदस्यता समाप्त हुई हो या और किसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये सब कार्रवाइयाँ रंजिशपूर्ण तरीके से कार्रवाइयाँ हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने के और अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने की सज़ा जो है ये लोगों को दी जा रही है, ये अपने आप में उचित नहीं है और इसके जो आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम जो देश के सामने निकल करके आएंगे। विपक्ष बोलता है तो माइक बंद कर देते हैं वो, या बोलने नहीं दिया जाता है, समय कम दिया जाता है, लोकतंत्र में कितना जाया जाए। स्वस्थ लोकतंत्र में सबकी बात को सुना जाना, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, बोलने का सबको अधिकार है, लेकिन ये सरकार ना तो बोलने दे रही है, ना विपक्ष की आवाज़ को सुनने चाहती है, ना किसी और की आवाज़ को सुनना चाहती है, तो ये तो एक गंभीर जो है हालात पूरे देश के अंदर बन रहे हैं और लोकतंत्र का जो है गला घोट दिया गया है पूरी तरह। विपक्ष जो है आज ताकतवर स्थिति में नहीं है और लोकतंत्र के लिए ये भी एक जो है गंभीर जो है चुनौती है कि देश में एक मजबूत विपक्ष जो होना जो बहुत ज़रूरी है, तो जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो है विपक्ष को मजबूती प्रदान की जाए। जहाँ तक जो है विपक्ष की एकता का सवाल है, मुद्दों पे एकताएं हो रही हैं, चल भी रही है, लेकिन अपने अपने राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, तो वो तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, तो जो है हमेशा एक मुद्दे पे किसी मुद्दे पर एक हो सकते हैं लेकिन जो हमेशा एक नहीं रहा जा सकता है। देखो हमारा ये मानना है कि गठबंधन तो बनेगा लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गठबंधन का बनना जो है संभव नहीं है। गठबंधन राज्यों के आधार पर बनेगा जो कारगर होगा, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का जो है प्रभाव है। अगर यूपी में सपा का या बसपा का प्रभाव है तो यहाँ किसको जो है गठबंधन में लिया जाएगा, ये एक सवाल है। बंगाल में जो है ममता है और लेफ्ट है, तो लेफ्ट होगा या ममता होगी, तो
अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियाँ के आधार पर ये कांग्रेस को अपनी सोच समझ कर रणनीति बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष में बड़ी पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है और भी कई हैं, लेकिन जो है पूरे देश में कांग्रेस का फिर भी एक आधार है, तो कांग्रेस को बड़ा दिल रखना चाहिए और सबको जोड़ करके जो है राज्यों के स्तर पर जो है गठबंधन अगर हम बनाती है कांग्रेस और उस दिशा में आगे बढ़ती है, तो हम समझते हैं कि जो है मजबूत जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए विपक्ष जो तैयार हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता है कि जो है राज्यों के आधार पर कुछ और रणनीति होगी लोकसभा के लिए। अभी जो वर्तमान जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की जो अपनी जो गलतियां उसकी वजह से वो हारे हैं। अगर वो राज्यों के स्तर पर गठबंधन करके सही तरीके से चुनाव लड़ते तो कांग्रेस की इतनी बुरी हार नहीं हुई होती। बसपा को भी मायावती जी को भी जो गठबंधन में शामिल करने का जो प्रयास किया गया है, लेकिन उनका अपना एजेंडा, उनका अपना तौर तरीका है कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो अपनी अपनी पार्टियों का अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन फिर भी जो सामूहिक रूप से प्रयास हो रहे हैं और जितने ज़्यादा दल एक साथ आ सकते हैं उसको लाने का प्रयास किया जा रहा, कुछ को राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे हो सकते हैं। महागठबंधन के सामने जो मंदिर की काट किया है, जो राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, इसकी काट क्या है? वोट तो उसी पे जाएगा, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रही है अभी भी जनता। गठबंधन या कोई भी विपक्षी पार्टी मंदिर के खिलाफ नहीं है,